दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइफ चैनल। तो दोस्तों आज का इस वीडियो पे मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। बहुत से कमेंट मेरे पास ये आ चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नए जो भी मेरे साथ के सहपाठी हैं या फिर जो भी नए ड्राइवर बनना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। क्या कुछ उनको अपने अंदर सुधार लाना चाहिए या फिर जो भी आदमी के साथ रहते हैं उसके साथ क्या हमें बर्ताव करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाद में घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाए और आपको उनका लाभ मिलता रहे। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि कम से कम बहुत ज़्यादा कमेंट ये आता है कि भाई हमें कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता, कोई हमें सिखाता नहीं है या फिर कोई शराब भी मिलता है। देखिए मेरे भाई, मेरी ये बात आपसे बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे मेरे जो लाइफ है ये ऐसी लाइफ मेरी गुजरी है, क्योंकि मैं जहाँ पर भी गया हूँ, मान लीजिए किसी भी काम पर, ज़रूरी नहीं मैंने ड्राइविंग की है, मैंने बहुत से पहले भी काम कर चुका हूँ, मैं किसी कंपनी वगैरह में या फिर ऐसे वैसे जो भी काम है, मैंने कंपनी में भी काम किया हुआ है 2 साल, एक एक साल करके 2 कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है, वो भी एक SI और एक कपारो कंपनी है, 2 कंपनियों में मैंने काम किया हुआ है। तो मैंने जो इनमें काम किया था वो 2013 के अंदर मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, 13 से लेकर 14 तक इनमें काम किया था। तो यकीन मानिए मैं जहाँ पर भी जाता था मुझे जो सबसे टॉप लेवल के जो भी इंसान होते हैं वो मिलते थे, और जिनका फुल सपोर्ट होता है कंपनी के अंदर, फुल उनका जो एक तरीके से कह लीजिए कि फुल उनका जो चलता है कि कंपनी में उनकी फुल पावर होती है, वो आदमी मुझे हमेशा मिले हैं। मुझे कहीं पर भी ऐसे आदमी नहीं मिले जो गंदे आदमी हो, या फिर बातचीत उनकी अच्छी ना हो, या फिर कोई भी बात वो थोड़ा सा गलत बात कहे या गाली गलौज कहें, मुझे ऐसा आदमी कहीं पर भी नहीं मिला है। और ड्राइविंग जिसके साथ अब मैंने सीखी थी वो भी मुझे बहुत बढ़िया इंसान मिला था, कभी कुछ नहीं कहता था, मैंने उसके साथ जो है काफ़ी टाइम बिताया था, लेकिन आज तक हमारे बीच कुछ भी कोई भी गाली गलौज या ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी जिससे कि उसको बुरा लगे या मुझे बुरा लगे, ना ही मैं उससे कुछ कहता था ना वो ही मुझसे कुछ, कभी भी उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपकी मुझे ये बातें थोड़ी सी अजीब लगती है कि भाई हमें ऐसा इंसान मिलता है जो बिल्कुल गाड़ी नहीं सिखाता या फिर मुझसे अच्छे तरीके से बोलता नहीं है, नौकर की तरह हमें रखता है। तो मेरे भाई एक बात आप ये हमेशा ध्यान में रखिए कि कुछ ना कुछ आप मिस्टेक ज़रूर करते होंगे अपने अंदर, कोई ना कोई ऐसी बात आपके अंदर ज़रूर होगी जो किसी को अच्छी नहीं लगती है। तो आप अपने अंदर भी कुछ चेंजेज लाइए, कुछ बदलाव कीजिए, उस जो भी जो आदमी के अंदर कमी होती है वो सबसे पहले खुद को पता होती है, खुद उसको जानता है कि मेरे अंदर ये कमी है और मैं इस बात को जो है कहूँगा तो उसको बुरा नहीं लगेगा। अपने अंदर चेंजेस लाइए, अगर वो कुछ कहता है तो एक अपने अंदर भी कुछ टैलेंट होना चाहिए कि उस बात को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उस बात को समझना है। देखिए शुरू में आप कोई भी काम सीखते हैं तो अगर वो आपको अच्छे तरीके से बताएगा या फिर एक अच्छी नॉलेज देगा तो आपको गुस्सा ज़रूर आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि आप ये सोचेगा कि वो अपना काम मुझ पर थोप रहा है और मुझे काम करने के लिए कह रहा है, खुद ऐश कर रहा है। तो मेरे भाई एक बात आप ये भी समझिए कि कभी वो भी इस लेवल पे था और उसने इतना परिश्रम करके वो इस लेवल पे पहुंचा है, डायरेक्टली कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। आप मेरी बात को समझिए कि अगर हम आज कंडक्टर हैं तो किसी दिन ड्राइवर भी होंगे, लेकिन हमें इस लाइफ को जीना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये लाइफ नहीं जिएंगे तो हम उस लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ आपके अंदर एक चीज़ होती है, कुछ खासियत होती है, उसको जगाइए और नेगेटिव सोच को हमेशा मत रखिए। एक न एक दिन करके आप कामयाब ज़रूर होते हैं, कोई भी काम अगर आप करते हो एक न एक दिन कामयाब होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कामयाब नहीं होंगे। तो मैं आपको यही कहने वाला कि अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाइए, और किसी के साथ रहते हैं तो उसका जो भी वो कहता है उसकी बातों को मानिए, कभी भी फालतू बातें बिल्कुल ना करें कि भाई उससे हंसी मजाक करिए, लेकिन एक लेवल होती है हर चीज़ का, समय होता है उस समय पे कहिए।
हमेशा ही कोई गलत चीज़ गलत बात बिल्कुल नहीं करे, तो इससे कुछ बुरा भी लगता है। जो हंसी मजाक करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, नहीं करता है उनको अच्छा नहीं लग पाता है। कुछ सभी एक तरीके के माइंड के, भगवान ने सभी इंसान को एक जैसा चेहरा और एक जैसा दिमाग नहीं दिया है, सबको अलग अलग दिया होता है, सबकी अलग अलग सोच होती है। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी यही नॉलेज आपको देने वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चेंजेस जरूर लाएँ अपने बिहेवियर में। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और नेक्स्ट वीडियो में गाड़ी के बारे में आपको जरूर बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।